नमस्कार। मिथुन राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बात की कि मई का महीना और जून, इन दो महीनों में मिथुन राशि के लिए कुछ खास खास परिवर्तन होने हैं, और मई और जून में विशेष, इसको बोलते हैं क्रूशियल पीरियड है, आपके लिए निर्णायक होगा। कारण क्या है? एकादश भाव में अभी तो सूर्य है, लेकिन 14 मई को आपके द्वादश भाव में जब सूर्य होगा, आपके लिए नेत्र पीड़ा, खर्चा, स्किन प्रॉब्लम, सहोदर या बंधुओं से विवाद, अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट, व्यर्थ की चिंता, एंग्जाइटी आपको रहेगी। आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको करना क्या है, डिसीजन नहीं ले पाने की पोजीशन में होंगे। इसके अलावा एक कहावत है, सिर मुंडाते ही ओले पड़े, ओला समझते हैं ओला वृष्टि, बर्फ का जो पड़ता है आकाश से। तो मिथुन राशि पर एक तो चतुर्थ और दशम केतु की और राहु की पोजीशन, इसके साथ साथ जून के महीने में आपके लिए वो पोजीशन आने वाली है जो 2022 में थी, अर्थात शनि की ढैया उस समय चल रही थी। ठीक इसी प्रकार के समीकरण, क्योंकि अष्टम भाव में जब शनि होगा, गोचर में अष्टम स्थान का फल देगा वक्री शनि। लेकिन अब हम फिलहाल इन पंचग्रही योग जो बन रहा है आपकी कुंडली में, अगले मास में इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। ये जो पंचग्रही योग है, ये कोई सामान्य योग नहीं है। कारण क्या है कि स्थिर राशि है, कौन? वृषभ राशि जो है, स्थिर राशि कही गई है शास्त्रों में, और ये पंचग्रही योग बनेगा, बहुत अच्छी पोजीशन ये बन रहा है 6 जून को, और बृहस्पतिवार का दिन होगा, अमावस्या होगी। इस दिन आपके लिए व्यर्थ की भागदौड़, अशांति, चिंता, सिरदर्द तथा आपके सहोदर, बंधु, भ्राता, सगोत्रीय, आपके गोत्र के अर्थात आपके बंधु बांधव, निकटतम संबंधी आपके साथ तर्क करेंगे या विवाद करेंगे, या ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है कि आपके का जो सिर दर्द का कारण है, नेत्रों की पीड़ा, स्किन से संबंधित समस्याएं तथा कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न करता है 1 जून से 29 जून तक लगातार आपके लिए। जो पोजीशन चल रही है वो है मालव्य योग की। अब 12 जून को मालव्य समाप्त होगा, लेकिन मालव्य योग के स्थान पर ठीक 15 जून को आपकी राशि पर बुध भद्र योग बनाएगा, सूर्य बुध का बुधादित्य योग होगा, लेकिन आपके 12वें भाव में जब पंचग्रही योग बनेगा तो वो गज केसरी योग बनाएगा, बुधादित्य बनाएगा, लेकिन निरंतर लाभ स्थान में मंगल का जो प्रभाव है आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कारण क्या है? क्योंकि छठे भाव का स्वामी और लाभ स्थान का स्वामी देखिए मंगल है, भले ही उस पर शनि की दृष्टि हो, आपके दशम भाव चतुर्थ और दशम में आपके लिए व्यर्थ की भागदौड़, अशांति, चिंता, टेंशन तथा व्यवसाय में तब्दीली, बदलाव के संकेत देता है, लेकिन आपके शरीर में आलस्य रहेगा। बार बार सूर्य जब आता है डिले कराता है काम। कुछ लोग जो स्टूडेंट है उनके लिए पॉजिटिव चीज ही रहेगी, लेकिन जो नौकरी वाले हैं, जिनको अवेटेड हैं, अभी जिनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ या इंटरव्यू हो चुका है, फोन कॉल नहीं आई है, अभी कुछ दिन आपको जॉब के लिए खाली भी रहना पड़ सकता है। अगर जॉब मिलती है तो आप सबसे अच्छे भाग्यशाली हैं। कारण क्या है कि जब ऐसी स्थिति आती है कि चतुर्थ और दशम में केतु और राहु है,
लेकिन सबसे बड़ा प्रिविलेज देने वाला शनि फिर भी आपको, आप हाथ फैलाइए देवताओं के समक्ष तो ग्रह नक्षत्र सब भगवान के इशारे पर काम करते हैं और वो आपको लाभ देंगे। ये जितने भी ग्रह हैं सब देव स्वरूप हैं, ये देते हैं, इसलिए इनको कहा गया है देवता, जो देता रहता है, देता है खूब देते हैं ग्रह आपको, एक बार उनको धन्यवाद देना चाहिए। 15 जून से आपके राशि के अनुसार भद्र योग बनेगा और ये भद्र योग इतना अच्छा है कि आप मिथुन में बुध आने पर सीधे सीधे चार राशियों का भद्र योग बनता है, एक तो इनके सामने वाली और दाएं और बाएं, अर्थात मिथुन कन्या धनु और मीन, इनके लिए भद्र योग शनि शश योग बना रहे चार राशियों के लिए। वृषभ सिंह वृश्चिक कुंभ, इसके अलावा सारे ग्रह आपके लिए अनुकूल फल प्रदान करना चाहते हैं। जो स्थिति जून में बनेगी 6 जून को पंचग्रह योग की, उसका वैसा ही लाभ आपको अगले मास में भी मिलेगा, लेकिन चूंकि मिथुन पर सिर्फ एक या दो ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, बाकी जो ग्रह हैं वो वृष राशि के ऊपर संचरण करेंगे, जो मिथुन राशि के लिए 12th हाउस में होंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की परेशानी तथा आपकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का सही रूप से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अपनी ऊर्जा का और अपने समय का और अपने पैसे का सही सही बजट कंट्रोल करना, सही समय को यूटिलाइज करना और अपनी एनर्जी को और पैसे को बचाकर रखना आपका परम कर्तव्य है, कर्तव्य ही नहीं अपितु आपका दायित्व भी बनता है, क्योंकि जब खराब ग्रह आता है तो ऐसे समय पर अगर मनुष्य भगवान का ध्यान करता है, गणेश जी की उपासना करता है या हनुमान जी की उपासना करता है तो पॉजिटिव इफेक्ट मिलते हैं भले ही ग्रह खराब हो। इसलिए इस पंचग्रही योग की चर्चा करना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि ये 12th हाउस में जब 5 ग्रह होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे, व्यस्तता, व्यर्थ की भागदौड़, अशांति, चिंता, तनाव। अब आपका जो भाग्य स्थान है वो शनि वहां पर राजयोग बना करके बैठा है और बृहस्पति आपके लाभ स्थान से हट जाएगा, लेकिन बृहस्पति का काम है जहां भी जाते हैं बृहस्पति देव अपना लाभ जरूर देते हैं इंडिविजुअल को। कारण क्या है कि आपके द्वादश में जब बृहस्पति आएंगे तो आपकी अष्टम भाव की राशि मकर को, मृत्यु स्थान है जो, उसको सुरक्षित करने का काम शनि देव का तो भाग्य उदय करने का काम है और बृहस्पति का काम आपके अष्टम भाव आयु वृद्धि का दायित्व बृहस्पति देव पर रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे इस पंचग्रही योग की कि ये जो योग है क्या क्या देता है द्वादश भाव में आकर के, तीर्थ यात्राएं, दान धर्म और जो भी आप काम करते हैं उसके किए हुए का जो श्रेय है वो आपको मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग जो मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़े बड़े सेटअप में काम कर रहे हैं तो काम तो करते हैं मिथुन राशि और क्रेडिट लेना चाहता है उनका बॉस, तो मिथुन राशि वालों के लिए सीधा सीधा और साफ साफ संदेश यही है कि आपको द्वादश भाव में चल रहे ये जो ग्रह हैं इनसे डरना नहीं है और आप अपने कार्य में लगे रहें, आपको लाभ होगा। कर पा, काम कर और पा, इसी को बोलते हैं कृपा।
मिथुन के लिए कृपा का आधार बना हुआ है। शनि, क्योंकि शनि आपके मूल त्रिकोण में है, शनि की ढैया का जैसा प्रभाव, 29 जून को शनि वक्री होंगे और उसी 24 घंटे के अंतराल में दो ग्रहों का परिवर्तन होना है। आपकी ही राशि का स्वामी द्वादश भाव में इन पंचग्रही योग के साथ है, लेकिन जब 29 जून को बदलाव आएगा तेजी से, तो बुध जो है आपकी राशि का स्वामी आपके फाइनेंस हाउस, धन स्थान जहां बैंक बैलेंस संचित धन उसका नाम रखा हुआ ज्योतिष के अनुसार, तो आपका लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, तरक्की होगी। सिर्फ आपको डिसीजन मेकिंग कर होना है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने हैं, आपकी तरक्की होगी, मान सम्मान पैसा खूब आएगा। अब हम बात करेंगे मुख्य मुख्य उन बिंदुओं पर जो आपके लिए आवश्यक है। इस माह मई और जून मालवीय योग, भद्र योग, शस योग, पंच महापुरुष योग बना हुआ है, उसमें से पांच में से तीन तो आपको फल देंगे बहुत अच्छा। एक ग्रह 12 तारीख को 12 जून को हट जाएगा, 12 जून को हटेगा तो ठीक दो दिन का गैप है, फिर भद्र योग शुरू होगा, तो ऐसी स्थिति में 12 की 12 राशियां इफेक्टेड होंगी। लेकिन बुध का भद्र योग बनाने से मिथुन कन्या, धनु और मीन दोनों बुध और बृहस्पति की राशि है, यद्यपि इन सब के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, परंतु अब आप देखिए रुचक योग मेष, कर्क, तुला और मकर, इन चार राशियों का जो कॉम्बिनेशन है लगन के अंदर वो इस प्रकार है कि एक राशि दूसरी राशि को 180 अंश पर देखती है। कब? जैसे कि केंद्र में बैठा हुआ है तो आमने सामने जो 180 अंश है वो उसको लाभ पहुंचाने के लिए होता है। तो कुल मिलाकर के रुचक योग चार राशियों को कवर करता है, भद्र योग चार राशियों को, मालवीय योग दो राशियों को। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस महीने और अगले महीने आएगी। इस वर्ष की हुई मेहनत 14 तारीख के बाद कुछ ब्रेकडाउन बता रही है, कई बार आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी, आप निराश हो जाएंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। कारण क्या है कि आपको बहुत लंबी पारी खेलनी है, आपको तुरंत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने होंगे। जब आप डिसीजन लेंगे तो आपके ऊपर आने वाले जो भी कष्ट हैं वो भी हटेंगे। कारण क्या है कि गणपति देवता की और हनुमान जी की जो उपासना करता है मिथुन राशि वाला, उसके मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। इसके अलावा हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। 23 जून से 5 जुलाई तक एक पक्ष 15 दिन का होता है, अब की बार क्या हो रहा है कि 15 दिन के बजाय 13 दिन का पक्ष है। शास्त्र कहता है कि ऐसा ही एक पक्ष जिसमें दो दिन घट रहे थे माइनस हो रहे, सिर्फ 13 दिन का पक्ष है। ये ज्योतिष के नियम और सिद्धांत के अनुसार आपको बताई जा रही है बातें, लेकिन महाभारत काल में जब 13 दिन का एक पक्ष हुआ था, ये सृष्टि के लिए, भारत ही नहीं अपितु वेस्टर्न कंट्रियों या पश्चिमी देशों के लिए यह युति किसी भी तरह से अच्छी नहीं कही जा सकती। इससे पहले भी ऐसे मास आए हैं और उसके प्रतिफल अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए अब पंचग्रही योग जो बनेगा ये मिथुन राशि के द्वादश भाव में बनेगा, तो आपको अपने शरीर से आलस्य हटाना है,
और जल्दी जल्दी काम करने की आदत डालनी है। आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन जो भी आपकी रहेगी, उस फाइनेंस जो पोजीशन होगी इसके अनुसार ही आपको अपने बजट को तय करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनएक्सपेक्टेड, अनअपेक्षित धन का खर्च आपके लिए सही नहीं है, शुभ नहीं है। तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि मिथुन राशि के जो बच्चे हैं, ये चाहे स्टूडेंट हो चाहे वो बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, तीनों ही मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके ऊपर जब शनि आपके भाग्य स्थान में बैठा है और उसका परिवर्तन होगा तो क्यों ना आपको सावधान किया जाए इस बात को लेकर। ये अलग बात है कि आपके द्वादश भाव में बैठे हुए बुध शुक्र सूर्य चंद्र ये जो पंचग्रही योग बनेगा उनमें अकेला बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को इम्प्रूव करता है। आपकी ज्ञान बुद्धि विवेक संतान के लिए शुभ है। और जो स्टूडेंट इस राशि वाले हैं और उनकी ये सिचुएशन है तो आपको सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा जो भी मृगशिर आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है इनकी कुंडलियों में बृहस्पति की दशा से शुरू करते हैं हम। बृहस्पति की दशा आपके लिए वरदान बनी हुई है। शनि की महादशा आपके जीवन के भाग्य को बदल देगी और बुध तो आपकी राशि का ही स्वामी है, 17 वर्ष की दशा अच्छी रहेगी। केतु की दशा जिनकी चल रही है कुछ कष्टकारक होगा, माता के लिए कष्टकारक होगा, परिवार में अशांति तनाव चिंता व्यर्थ का क्लेश, रूट कॉज जब बाद में आप ढूंढते हैं लड़ाई झगड़ा और क्लेश अशांति परेशानी, तो आप पाएंगे कि आप ने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिसकी वजह से ये क्लेश हो। कारण क्या है कि आपकी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं और करेंगे और वो अवधि होगी 1 जून से 29 जून तक। ये जो समय है 23 जून से और 5 जुलाई का ये पक्ष जो है ना, ये पखवाड़ा भी आपके लिए अच्छा परिणाम अच्छा फल नहीं दे रहा है। क्योंकि सृष्टि में जब जब 13 दिन का एक पक्ष आया है तो सृष्टि में बहुत कुछ उतार चढ़ाव उथल पुथल मचाने वाला माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।